डी अलायंस का एक्सपायरी डेट जो था असल में वो मई 2024 नहीं, वो तो जनवरी 2024 था। ये तो चाइनीज माल से भी बेकार माल है। देखिए नीतीश कुमार जी को तवज्जो देना ना देना, ये इसके ऊपर तो इंडिया अलायंस वाले ही ज्यादा टिप्पणी करेंगे। टीएमसी ने एक तरह से कांग्रेस के नेतृत्व को लात मारने का काम इस निर्णय से लिया है। नीतीश कुमार जी ने भारत रत्न का डिमांड जननायक कर्पूरी जी के लिए रखा, लेकिन वो डिमांड रखते गए, साल पर साल बीतते गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस कार्रवाई को किया है तो एक पिछड़े के बेटे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरा ये मानना है कि जो कार्यक्रम योजना तय करें 2024 में जनता ने मन बना लिया है, जो राम को लाए हैं, जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, 400 सीट के साथ पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री होने वाले। कांशी राम जी जैसे लोग, कर्पूरी जी जैसे लोग, जयप्रकाश जी जैसे लोग, इनको देश और समाज जितना सम्मान दे सके उतना कम पड़ेगा। एक तरफ तमाम पार्टियां बिहार में कर्पूरी जयंती मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में एक दल ने कहा है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा है कि हमें तवज्जो नहीं मिल रहा इसलिए अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, कैसे देख रहे हैं उन्होंने कह दिया अकेले अब चुनाव लड़ेंगे? देखिए पूरे देश को अनुमान था कि जो इंडी अलायंस करके एक अननेचुरल गठबंधन जिसमें ना कोई नेता है ना नीति है ना इसमें कोई कॉमन एजेंडा है, ये इन लोगों ने जब से बनाया है तब से देश के मन में बात तो तय थी कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा ये लोग बिखर जाए। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि इंडी अलायंस का एक्सपायरी डेट जो था असल में वो मई 2024 नहीं, वो तो जनवरी 2024 था। ये तो चाइनीज माल से भी बेकार माल है, तो 6 महीना भी ठीक से नहीं चला। क्या लग रहा है नीतीश कुमार को तवज्जो मिल रही होगी, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार जी को तवज्जो देना ना देना, ये इसके ऊपर तो इंडिया अलायंस वाले ही ज्यादा टिप्पणी करेंगे। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस का जो सबसे एक बड़ा घटक दल था वो टीएमसी था। बंगाल में पार्टी मजबूत अगर कोई है तो वो कांग्रेस और लेफ्ट नहीं, टीएमसी है। और टीएमसी ने एक तरह से कांग्रेस के नेतृत्व को लात मारने का काम इस निर्णय से लिया है। आप लोग कर्पूरी जयंती मना रहे हैं, राजद भी मना रहे हैं, लेकिन अब भारत रत्न की घोषणा हो गई है। राजद कह रही है कि हमने जो है मांग किया था तब जाकर मिला है, जदयू कह रही है हम मांग किए थे तभी जाकर के मिला है। बिल्कुल सही बात है कि लंबे अरसे से बिहार की जनता के मन को समझते हुए नीतीश कुमार जी ने भारत रत्न का डिमांड जननायक कर्पूरी जी के लिए रखा, लेकिन वो डिमांड रखते गए, साल पर साल बीतते गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस कार्रवाई को किया है तो एक पिछड़े के बेटे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के साथ पुरजोर तरीके से खड़ी है और खड़ी रहेगी। सवाल ये भी है कि अब कह रही है जाति आधारित गणना करवाए बिहार में, मोदी सरकार दबाव में आकर के उन्हें जो है भारत रत्न देने का ऐलान किया। देखिए मेरा ये मानना है कि जो कार्यक्रम योजना तय करें 2024 में जनता ने मन बना लिया है, जो राम को लाए हैं, जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, जो पिछड़े वर्ग के साथ खड़े होते हैं, वैसा एक ही नेता देश में है। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। 400 सीट के साथ पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री होने वाले। एक आखिरी सवाल लेंगे, काशी राम को भी कहा, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें भी अब भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कांशी राम जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान दलित समाज दलित वर्ग के लिए रहा है, और कांशी राम जी जैसे लोग, कर्पूरी जी जैसे लोग, जयप्रकाश जी जैसे लोग, इनको देश और समाज जितना सम्मान दे सके उतना कम पड़ेगा, इतना इनका देश में योगदान है। बिल्कुल तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा। इनका कहना है कि देखिए जिस तरीका से भारत रत्न मिला है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अति पिछड़ा समाज से आते हैं उनके वजह से मिला, अब कोई लोग कुछ भी कर ले उससे कोई फर्क नहीं।
नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है वो लगातार मांग कर रहे थे, इसीलिए जो है उन्हें भारत रत्न भी मिला है। वहीं पे जिस तरीका से इंडिया गठबंधन में अब जो है टूट देखने को मिल रही है, उसमें भी जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि ये तो चाइनीज माल है, 24 की जनवरी के लास्ट आते आते सभी इंडिया गठबंधन में टूट हो जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।